अच्छा, आप लोग अकोना गांव के निवासी हैं, अकोना गांव के एक समाज सेवी हैं देव नारायण जी, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट की गई है जिसमें संगीन आरोप लगाए गए हैं कि वो दलाली करते हैं, दबंगी करते हैं, गांव के लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, पैसा वसूलने का काम करते हैं, गुंडा टैक्स वसूलते हैं, लोगों का उत्पीड़न करते हैं और नशीले पदार्थ बिकवाते हैं। इन सब आरोपों में जैसे कि आप लोग गांव के ही लोग हैं, कहां तक सच्चाई है या आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर, ये सरासर गलत है, ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देवनारायण सिंह अच्छा काम करते हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाया है, बहुत ही इसी वजह से इन लोगों को मतलब जलन पैदा हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? जो नशा मुक्ति करा रहा है वो नशा बिकवाएगा, फिर वो कैसा हो गया उनका नशा मुक्ति आंदोलन, ये तो उल्टा हो गया। ये साक्ष्य दे जिसके साथ कुछ किया गया हो। जैसे कि आप लोग गांव के ही लोग हैं, कहा गया है आरोप में कि गांव के लोगों के साथ गुंडागर्दी करते हैं, वसूली करते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को सामने लाया, लोग भी गांव में हैं, उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वो लीगल कार्य किए हैं, वो समाज के हित करते हैं, ना कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भी मतलब इनके खिलाफ लोगों ने एप्लीकेशन दी है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब जितने भी इल्जाम इनके ऊपर लगे हैं सब झूठे हैं। अच्छा अच्छा, और गरीब लोगों का शोषण किया जाता है ऐसा भी बताया गया है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा भी उन्होंने मतलब। तो देवनारायण जी किस तरह के इंसान हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं? वो अच्छे इंसान है, जिसके पक्ष में जितना अच्छा बनता है उतना करते हैं, वो जितना अच्छा है अच्छा जितना किया है उन्होंने अभी तक अच्छा ही अच्छा किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया है। और क्या आवाज बनवाने के बहाने पैसों की ठगी या कुछ इस तरह का भी कार्य करते हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं? नहीं, कोई भी जिसका आवाज बना हुआ, एक भी आवाज वाला अगर सामने आ जाए कि हाँ मेरे से एक रुपया खाया तो वो बताए कि हाँ बात माने, हम भी तो गरीब लोग हैं। आप भी गांव के लोग हैं, तो आप लोगों का कहना है कि वो एक अच्छे इंसान है? ठीक है, तो सारे गांव में यही कहना है सभी का, या उनसे जैसे पूछा जाएगा एक एक करके सारे गांव से तो कुछ और निकलेगा सामने? नहीं नहीं, सारे गांव सारा गांव सच्चाई सामने आ जाएगी, सच्चाई कहेगा, सच्चाई सामने आ जाएगी बस। और ये भी कहा गया है आरोपों में कि राइफल और रिवॉल्वर वगैरह हथियार दिखाकर लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, ये कुछ नहीं ना हथियार ना कुछ, ये फंसाने वाली बात तो वहीं से उठती है। अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो वो तो सीधा कहता है मैं किसी केस में फंसवा दूंगा, मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि देव नारायण जी के खिलाफ उन लोगों ने आरोप क्यों लगाए हैं, क्या वजह रही होगी? ये जो भी मंजर समझ में आ रहा है ये मुझे लग रहा है प्रधानी को लेकर हो रहा है, क्योंकि हमारे देखते हुए इतना अच्छा कार्य किया है, उनको ये लगता है कि आज ये कार्य अच्छा करेंगे, आगे प्रधानी के चुनाव में आगे चल के जब समाज सेवी अच्छा काम करेंगे तो उसी को तो इंसान वोट देगा, ये वोटिंग वाला काम है, इसको लेकर ये झगड़ा हो रहा है। अच्छा, तो कुल मिलाकर आप लोगों का कहना है कि आगे के प्रधानी के चुनाव में, चूंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं, चुनाव में अगर ये आगे आते हैं तो जीत ना पाए, इसलिए उनकी छवि बिगाड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और जो अनलीगल काम है इन्होंने आवाज उठाई उनके खिलाफ, इसलिए इनके खिलाफ वो कार्रवाई करवा रहा है, फंसाने की बात कर रहा है। कौन लोग हैं वो, क्या आप नाम बता सकते हैं उनके? महबूब प्रधान है, और भी कोई लोग हैं? मेरा भी एक बार झगड़ा हुआ था जॉब कार्ड को लेकर, तो मेरे को 500 रुपये दिए थे और मेरे से 6,000 रुपये लिए थे प्रधान ने। हाँ, और ये भी कह रहा था तू ज़्यादा गुंडा हो गया, तुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।